Gentlemen, today all we gathered here for the नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? हसताय ना? अरे हसायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपला हक्काचा, आपला लाडका, आपला आवडता कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे विठोबा आयुर्वेद दंत मंजन प्रस्तुत, चला हवा येऊ द्या. योगेश, दिस इज नॉट द चला हवा येऊ द्या. लेट मी शो यू व्हाट इज दिस ऍक्च्युअली. शोर ऋषिकेश. तो देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति. और ऋषिकेश, This is Data Matics Annual Achievers Award. This is not a KBC. Okay, Yogesh. तो फिर आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं योगेश? चलो आए तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे. हाँ, लेकिन क्या? स्वच्छता. विचारों की. यस, विचारों की स्वच्छता करेंगे आज. लेकिन योगेश, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तो 2014 में मोदी जी ने लाल किले से ही कर दी थी. उन्होंने लाल किले से कहा था, मित्रों, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? किया. क्या आपने कभी किसी को दिल दिया? योगेश, अरे क्या बोल रहे हैं? अरे मोदी जी का प्यार का क्या संबंध यार? उन्होंने कहा था, भाई और बहनों आगे भी बोल बोलता भाई और बहनों, एक दोनों छोड़ो, भाई और बहनों, क्या देश स्वच्छ होना चाहिए कि न होना चाहिए? मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि भारत स्वच्छ होना चाहिए कि न होना चाहिए. मैं यही चीज सुनील शेट्टी से पूछना चाहता हूँ कि हमारा भारत स्वच्छ होना चाहिए कि न होना चाहिए. तुम यहाँ पर आकर कचरा डालो ये हो नहीं सकता, और मैं वहां पर जाकर कचरा उठाऊ ये मैं होने नहीं दूंगा. मैं सुनील शेट्टी और मैं कर दूंगा गंदगी की छुट्टी. वैसे छुट्टी से याद आया, ये ऋतिक रोशन छुट्टी पे है क्या? कोई मुझे प्यार नहीं करता माँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं मेरे लेकिन 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 मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं भी पानी मीठा पीऊंगा और देश साफ करूंगा. देखना आपको क्या लगता है? चलिए बाजू बोलो. नमस्कार मंडळी, नमस्कार. हे बघा, आपल्या जीवनामध्ये स्वच्छता खूप महत्वाची असते. आमचं गाव बघा, आमचं गाव अगंधारी मुक्त, आमचं गाव तंटा मुक्त, आमचं गाव कचरा मुक्त, तसं आपण बी आपलं शहर हे स्वच्छ ठेवायला हवं असं मला वाटतं. आपल्याकडे घंटागाडीची बघा, घंटागाडी ऐकायला येते आपल्याला, टिंग 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 टिंग, घंटागाडी घंटागाडी घंटागाडी, ओला कचरा कोरडा कचरा, कोरडा कचरा ओला कचरा, तसं त्या घंटागाडीचा ऐका पाहिजे, तसं त्या त्या घंटागाडीचा वापर करून आपण आपला देश, आपलं शहर, आपलं राष्ट्र हे स्वच्छ ठेवायला वाटत. काय वाटतं तुम्हाला? आठवले साहेब दादा, मला तुमची विचार पडलेली आहे दादा, मला तुझ्या पडलेलं आहे दादा. मी करतो तुमचा आदर. मी काल रात्री पाहिला पिक्चर कदर, तेव्हा कळली मला स्वच्छतेची कदर, म्हणून म्हटलं आदेश आपल्या मदर अँड फादर आपल्याला पोहोचवलं जातं. त्याच्यामुळं आपण आपल्याला कचरा उचलू, आपण स्वच्छता करू, आपण स्वच्छता करू, एवढं बोलून मी थांबतो. जय हिंद, जय भारत. सनी पाजी, तुम्ही सांगा काय? ओय, तो डालूंगा फो डालूंगा नींबू के जैसे नीचे डालूंगा. आज मैं जहां जहां नजर डालता हूँ कचरा ही कचरा नजर आता है. कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा, कचरे पे कचरा. एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने और गंदगी की तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा. ये 2.5 किलो का झाड़ू देख रहे हो, अगर झाड़ू कचरे पे चलता है ना तो कचरा उठता नहीं, उठकर सीधे डस्टबिन में चले जाता है. शरद पवार जी, अब आप भी कुछ बोल दो. नमस्ते. कैरेक्टर पुरोगामी महाराष्ट्र मध्ये असू द्या, आपल्याला कचऱ्यावर बोलायचं. खरं तर पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये इतक्या हिंसक पद्धतीने कचऱ्यावर बोलणं चुकीचं आहे, त्यामुळं मी आधी सनी देवळला हे सांगू इच्छितो, आधी आपण आपले विचार स्वच्छ करू, त्यानंतर आपला महाराष्ट्र स्वच्छ करू, नंतर आपला भारत स्वच्छ करू, त्या दृष्टीने आपण वाटचाल करू. आणि मी आता विनंती करतो आपले निळू फुले सदा, त्यांनी त्यांचे सविचार मांडावे. पवार साहेब अगदी बरोबर बोलताय तुम्ही. आपल्या देशात, आपल्या राष्ट्रात स्वच्छता ही झालीच पाहिजे, म्हणून म्हणतो बाई तुम्ही वाड्यावर चला. कशाला कशाला? अरे बाईकडे झाडू देतो. म्हणजे बाई झाडू मारतील, स्वच्छता करतील, दोन लोक त्यांना बघतील आणि ते भी झाडू मारतील, आणि अशा प्रकारे आपला हा देश स्वच्छ होईल, एवढंच मला वाटतं. आता विनंती करतो आपल्या महान नट नट सम्राट यांना. राम्या, हे राम्या हाडू नाही विधात्या, या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं. बेशरम लाचार आनंदानं कि फेकून द्यावं या देहाचा स्वच्छपणाचं लक्तर, त्यात गुंडाळलेल्या जाणीवेच्या यातनेसह मृत्यूच्या काळ्याशा डोहामध्ये रे. आणि करावा शेवट प्लास्टिकचा, कचऱ्याचा,
आणि रोगराहीचा रे विधात्या, कोणी झाडू देत का रे झाडू? अरे ओझक ना उधर, घेतोय घेतोय, कोने में पड़ा है, चल चल उधर से, घेतोय तेरी भाषा इनके समझ में नहीं आएगी, अब मैं समझाऊंगा। मैं एक मच्छर, जैसे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, वैसे एक प्लास्टिक का बैग आदमी को 5,000 रुपए फाइन दिलवा सकता है। अच्छा है, वो कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, ये मोदी जी भी क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन कौन समझा इनकी बात को, कौन समझा? कोई नहीं। भगवान ने सोचा तो मैंने एक चीज बना इंसान, जब नीचे आके देखा सब कीड़े बन गए, कीड़े रेंगने वाले कीड़े। रेंगते रहो भाई, रेंगते रहो, मुझे नहीं जीने ऐसी जिंदगी में, तो जा रहा हूँ, गुड नाइट गुड बाय। तो दोस्तों वाजवनस गया। तो दोस्तों ये कहना था कुछ जानी मानी शख्सियतों का स्वच्छता के बारे में, लेकिन हम जैसे आम आदमियों को क्या सोचना चाहिए, हम सुनते हैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से। निकल पड़ा था दांडी में जो फिर से वही उमंग चली, गली गली में बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले, साफ हिंद की चाह में कागज पर कलम चले, भारत स्वच्छ बनाना है तो कदम मिलाकर हम चले, अरे दिखला दे अब दुनिया को के भारत आशावादी है, हर दिल में अमर तिरंगा, धड़कन में महात्मा गांधी है, तुनालियों की गोद से माँ गंगा के प्रवाह तक स्वच्छ भारत अभियान चले, उठा के झाड़ू हाथ में पूरा हिंदुस्तान चले, पूरा हिंदुस्तान चले, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय झाड़ू जय सुपड़ा।